सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों दुनिया में व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, याहू, ऑर्कुट, गूगल टॉक, एओएल वगैरह से पहले भी हमारे पास भी एक चीज थी कम्युनिकेशन के लिए, जिसको हम दोस्तों आज भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, जिसका नाम है SMS। तो आज हम इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर ये SMS क्या है और कैसे काम करता है, साथ में इसके कुछ एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप अर्ली 90s में शायद पैदा हुए हैं तो आपको ये बात कंफर्म मालूम होगी कि भाई कुछ टाइम पहले एक जमाना था जब हम देते थे एयरटेल को 36 रुपए, बदले में हमको मिलते थे 1000 मैसेज भेजने के लिए और हम उन्हीं 1000 मैसेज से दोस्तों बाद में देते थे चैट। तो यहाँ पे अभी तो क्या टाइम आ गया है व्हाट्सएप फेसबुक का, लेकिन जो SMS है वो ऑलमोस्ट दोस्तों पुराना है 25 साल से भी ज़्यादा, जो एक बहुत ही कमाल की चीज़ है कि भैया मतलब अगर हम फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको सिर्फ बात नहीं करनी, हम जो हमारा मैसेज है वो लिख के भी भेज सकते हैं। अब आज तो यार बहुत ही कॉमन है, यहां पे हम शायद सभी कंफर्टेबल है व्हाट्सएप के साथ में, लेकिन दोस्तों जो SMS है वो एक्चुअल उसी सिस्टम की बैकबोन है जिसको हमने यूज करना स्टार्ट किया और बहुत ही कमाल दोस्तों तरीके से हो गया था ये पॉपुलर। तो आखिर ये काम कैसे करता है? दोस्तों यहां पे आपको बता दूं कि जो SMS है वो एक आफ्टर थॉट था, मतलब ऐसा नहीं था कि जब स्टार्टिंग में प्लान किया गया इस चीज का तो पहले से प्लानिंग थी कि हां भाई फोन के अंदर दो ऑप्शन होंगे, आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे बाद में इसको एक्स्ट्रा एज अ फीचर ऐड किया गया कि हाँ ठीक है हमारे पास में क्योंकि कुछ स्पेयर बैंडविड्थ पड़ी है तो क्यों ना हम इसको इस्तेमाल भी ले लें कुछ टेक्स्ट भेजने के लिए। और यहां पे दोस्तों लिमिट होती है एक SMS की, वो है 160 कैरेक्टर्स की। तो ये जो लिमिट है ये भी इसीलिए निकाली गई क्योंकि एक एवरेज देखा गया कि ऑन एवरेज जो एक सेंटेंस होता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो इसकी लेंथ क्या होती है। उसके अलावा दोस्तों जो हमारे पास में चैनल थी वो इतनी ज्यादा ओपन नहीं थी हमारे पास बैंडविड्थ, इसलिए वो भी एक कंस्ट्रेंट था। तो बाद में निकाला गया कि हां ठीक है 160 कैरेक्टर्स जो है वो एक SMS के ठीक होगा। और अब दोस्तों यहां पे बात आती है कि आखिर आप इसको भेजते कैसे हैं। अब देखो भाई यहां पे दोस्तों आपका जो फोन है वो आइडल जब रहता है टेबल पे तो भी दोस्तों वो लगातार कम्युनिकेट कर रहा है आपके फोन मोबाइल फोन टावर से, क्योंकि उसके बीच में एक लिंक बना रहना जरूरी है। वो बीच में दोस्तों कुछ मैसेज भेजता रहेगा कि हां भैया सब ठीक है, हां मैं ओके हूं, तुम ओके हो, सब कुछ ठीक है। अगर दोस्तों कोई कॉल आता है या फिर मान लीजिए अगर आपकी कॉल करते हैं तो भी वो कम्युनिकेशन जो है वो सेटअप होता रहता है। तो यहां पे दोस्तों एक चैनल जिसको हम कहते हैं कंट्रोल चैनल, उसके थ्रू SMS जो है वो कंप्लीट तरीके से काम करता है, जहां पे अगर आप किसी को कोई मैसेज भेजते हैं तो यहां पे दोस्तों तीन चार चीजें होती हैं मेन। पहली बात तो ये कि भैया मैसेज की लेंथ क्या है, दूसरी बात दोस्तों ये कि आप किसको मैसेज भेज रहे हैं, तीसरी बात ये कि भैया आप किस टाइम पे भेज रहे हैं, और चौथी बात ये कि जो मेन मैसेज है वो क्या है। ये दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन है, ये रेडियो वेव्स के थ्रू ही पहुंच जाती है मोबाइल फोन टावर तक। दोस्तों उसके बाद में जो मैसेज है वो आगे भेजा जाता है SMSC यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर में। SMS की फुल फॉर्म SMS यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस, भैया मैसेज जो है वो शॉर्ट है। तो यहां पे दोस्तों जब वो पहुंचता है SMSC में, उसके बाद में आगे पता लगाया जाता है कि जो भैया रिसिपिएंट है इस मैसेज का वो कहां पे है, वो कौन से टावर की रेंज में है, और अगर दोस्तों वहां पे उसका फोन भैया ऑन है या फिर वो रेंज में है तो मैसेज को आगे कर देते हैं फॉरवर्ड, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मैसेज दोस्तों रखते हैं स्टोर करके ताकि जब भी रिसिपिएंट रेंज में आए तब जाके उसको मैसेज मिल जाए। यानी दोस्तों यहां पे ये मैं आपसे बात कर रहा हूं सेव एंड फॉरवर्ड टेक्निक की, और उस टाइम पे यही ऐसी इकलौती चीज थी जहां पे अगर आपने अभी आज को किसी को मैसेज के छोड़ दिया, अगर वो इंसान रेंज में नहीं है, अगर फोन ऑफ वगैरह भी है तो भी जब भी फोन ऑन होगा मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाएगा। अब यहां पे दोस्तों होता यह है, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, भैया आपने मैसेज भेजा, मैसेज रिसीव किया, लेकिन यहां पे बीच में एक बार पॉपुलर हो गए थे SMS अटैक। अब अटैक का मतलब दोस्तों ये होता है कि क्योंकि हम यहां पे कंट्रोल चैनल को काम में ले रहे हैं मैसेजेस को भेजने और रिसीव करने के लिए, तो ऐसे में अगर आप टारगेट करते हैं एक पर्टिकुलर शहर पे जहां पे आप दोस्तों एक साथ बहुत सारे SMS को भेज देते हैं तो वहां पे जो मोबाइल नेटवर्क है वो पूरा जैम हो जाएगा और उसके बाद में कॉल्स वगैरह भी नहीं जा पाएंगी। इसको दोस्तों बाद में समझा मोबाइल फोन कंपनीज ने और उसके बाद में एक लगा दिया थ्रेशोल्ड कि हां भाई अगर इससे ज्यादा SMS वगैरह आ रहे हैं तो हम उनको थोड़ा थ्रॉटल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास में अभी तो खैर व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ आ गया है तो आपको लगता है कि यार SMS की इंपॉर्टेंस कहां रही है, लेकिन दोस्तों फिर भी यहां पर डे मोर देन 20 बिलियन SMS भेज जाते हैं पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह पे, क्योंकि यहां पे सभी के पास में इंटरनेट नहीं है और
एसएमएस में मजे की बात यह है कि आपको इंटरनेट नहीं चाहिए होता है, आप बिना इंटरनेट के भी बड़े आराम से मैसेज भेज सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों यहां पे पुराने जमाने में हमारे पास में चैटिंग का ऑप्शन भी था जहां पे आप थ्रेड्स के फॉर्म में चैट कर सकते हैं एसएमएस के थ्रू। तो ये चीज आज भी दुनिया में बहुत जगहों पे पॉपुलर है। फिर दोस्तों चाहे मैं आपसे बात करता हूं कि ब्रांड्स आपको जब भेजते हैं तरह तरह के ऑफर्स तो वो एसएमएस के थ्रू होता है। अगर दोस्तों आप देख रहे हैं टीवी पर कोई रियलिटी शो जहां पे आपको भेजना है अपना फीडबैक, कीजिए मैसेज, दबाइए ए और भेज दीजिए 513131 पे, जो भी ऐसा होता है वो भी होता है एसएमएस के जरिए। हालांकि वो तो वहां पे कमर्शियल एंगल भी होता है, लेकिन आज की डेट में भी व्हाट्सएप वगैरह जो है वो आप यूज कर रहे हैं एज अ लाइक मीन ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन दोस्तों जहां पे आपसे बात करता हूं ब्रांड्स वगैरह की, जहां पे आपसे बात करता हूं बल्क मार्केटिंग की, तो वहां पे एसएमएस आज भी पॉपुलर है। और इनफैक्ट अगर आप कहीं पे दुनिया में जाते हैं रोमिंग पे तो इनकमिंग जो मैसेज होता है वो फ्री होता है। तो आप जुड़े रह सकते हैं एक तरीके से, आपको एक तरीके से वन वे जो है वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है बिल्कुल फ्री में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। लेकिन इनफैक्ट जो एसएमएस है उसका तो अपना चार्ज होता ही है, और यहां पे भैया ये जो है अभी व्हाट्सएप तो हमको फ्री मिल जाता है, लेकिन मैसेज के लिए आज भी कंपनीज जो है वो पैसे लेती है हमसे और बहुत ज्यादा पैसे लेती है। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं दोस्तों। इसके अलावा ये इतना रिलायबल नहीं है, कभी कभी जो है वो टाइम लग जाता है बिकॉज ये कभी प्रायोरिटी पे नहीं होता है। तो कभी तो मैसेज भेजा तो मिल गया भैया 5 सेकंड में, कभी भेजा तो मिल गया 1 मिनट में, और कभी दोस्तों भेजा तो डिलीवर हुआ 1 घंटे के बाद। तो मतलब ये जो चीजें हैं ये कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो अभी आगे चल के मैसेज धीरे 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 करके खत्म ही हो रहा है, हम जो है वो मूव कर रहे हैं इंस्टेंट मैसेजिंग की तरफ, व्हाट्सएप वगैरह कितना पॉपुलर हो गया, और उसके बाद में आगे चल के तो भैया चीजें और बढ़ जाएंगी। लेकिन यहां पे एसएमएस जो है ना वो एकदम बैकबोन था जहां पे 160 कैरेक्टर्स जो है वो आप भेज सकते हो। इनफैक्ट आजकल दोस्तों मॉडर्न स्मार्टफोन्स हैं उसमें अगर आप मल्टीपल मैसेज भेजते हो तो वो टुकड़ों में जाता है बैक टू बैक, जो उसका रिसिपिएंट है उसका जो फोन है वो उसको अपने आप बाद में दोबारा कंपाइल कर लेता है। तो आप ऐसे में चाहें तो भैया बहुत लंबी लंबी पूरी कहानी लिख के भेज सकते हैं और वो बाद में जुड़ती रहेंगी, तो वो भी एक पॉइंट है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे लिए व्हाट्सएप से ज्यादा कन्वीनियंट है जहां पे मुफ्त में बात कर सकते हैं, एसएमएस के पैसे देना किसको पसंद है। लेकिन दोस्तों यहां पे ये पहले के टाइम में बहुत पॉपुलर था कि भैया 28 रुपए के 1000 मैसेज, 36 रुपए के 1000 मैसेज, और उस टाइम पे मैसेज पैक लेके हम करते थे चैट्स। ये बात आपसे करता हूं 2003-4-5-6 के आसपास की। अगर आपने वो यूज किया है तो मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। उम्मीद है कि आपको एसएमएस के बारे में इंफॉर्मेशन सुन के अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सारा सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।